बोले भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। आज आप मुख्यमंत्री बन गए, क्या बोलना चाहेंगे ऐसे अवसर पर? देखिए, आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का छठवां बैठक, छठवां छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला बैठक, इसमें छत्तीसगढ़ विधानसभा का विधायक दल सर्वसम्मति से मुझे अपना नेता चुना है और इस अवसर पर मैं बहुत ही आनंदित हूं और ऐसे अवसर में मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने गांव के एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर इतना बड़ा विश्वास व्यक्त किया कि आज छत्तीसगढ़ सरकार का नेतृत्व करने का अवसर दिया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूं। साथ ही साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय नेतृत्व, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता पर इतना आभार भरोसा जताया। साथ ही साथ हमारे जो प्रदेश के जो प्रभारी थे और चुनाव के भी प्रभारी थे, आदरणीय ओम माथुर जी, सह प्रभारी आदरणीय मनसुख पांडविया जी, आदरणीय नितिन नवीन जी और हमारे प्रदेश के नेतृत्व, उनका सबका मैं आभारी हूं जिन्होंने हम पर विश्वास व्यक्त किया है। सभी नवनिर्वाचित विधायकों का भी मैं आभारी हूं जिन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ वो सबके विश्वास में खरा उतरने का प्रयास करूंगा और मोदी की गारंटी में जो हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया है उसको प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते सरकार के माध्यम से 100% पूरा कराने का हमारा प्रयास होगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी की गारंटी, उसमें 18 लाख आवास की सुविधा, पहला काम। चलिए, धन्यवाद। हाँ जी, सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि थोड़ा इंतजार करेंगे। मैं मीडिया से बात करने के पश्चात आप लोगों के बीच में आप लोगों से मिलने के लिए आऊंगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।